नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका भरोसेमंद YouTube चैनल RP न्यूज। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। 11 व्यापारी को धमकी भरे पत्र के मामले से बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। लोहारों के कपड़ा व्यापारी से रंगदारी मांगी गई थी और दहशत फैलाने के नाम पर एक दुकानदार के सामने धमकी भरा पत्र डाला था और सबूत मिलने पर लोहारू के व्यापारी राजकुमार अग्रवाल को लोहारू पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था और राजकुमार को एक दिन का रिमांड पर लिया था। रिमांड अवधि खत्म होने के बाद उसे न्यायालय में पेश किया गया, जहां पर उक्त व्यापारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। प्राप्त सूचना के अनुसार जो लेटर राजकुमार ने डाला था, उसने पूछताछ में कबूल किया है कि वह लेटर अपनी दुकान में रखे फोन से टाइपिंग करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी अपने ही प्रिंटर से निकाली थी और दहशत फैलाने के नाम पर एक दुकानदार के सामने वो धमकी भरा लेटर रख दिया था। पुलिस ने वह फोन और प्रिंटर अपने कब्जे में लेकर लैब में भेज दिया, जहां पर इस बात का पता लगाया जाएगा क्या यह लेटर राजकुमार ने अपने फोन से टाइपिंग करके निकाला था या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है या फिर यह लेटर राजकुमार को किसी ने दिया था। यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। क्या इस लेटर प्रकरण के मामले में राजकुमार ने जो पूछताछ में कबूल किया, क्या पुलिस को कुछ अहम सबूत भी दिए हैं, क्या इस षड्यंत्र में और कुछ लोग भी शामिल हैं, यह एक जांच का विषय है। क्या लोहारू को इस षड्यंत्र के माध्यम से लोहारू को अस्थिर करने की कोशिश की गई थी, यह एक जांच का विषय है। और इस पूरे प्रकरण पर लोहारू और आसपास की जनता की नज़र टिकी हुई है। इस पूरे प्रकरण पर आज हमको एक CCTV वीडियो मिला, जिस CCTV वीडियो में उक्त व्यापारी धमकी भरा पत्थर डालता हुआ साफ दिखाई देखा जा रहा है। लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है, पिछले दिनों लोहारू में जो इतना बड़ा ड्रामा हुआ, लोहारू को अनिश्चित काल के लिए बंद किया गया था, क्या ये सब दिखावा था? जो किसान मजदूर नज़दीकी गांव या आसपास के लोगों को जो परेशानी हुई, आखिर उनकी जिम्मेदारी कौन लेगा? लोहारू में भले ही लोग खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं हैं, लेकिन दबी आवाज़ में बोल रहे हैं। अगर इस षड्यंत्र में बड़ी मछलियों के नाम शामिल होगा तो क्या वे नाम उजागर होंगे? जिस हिसाब से मार्केट लोहारू में व्यापारियों के चेहरे और उनके चेहरों पर सन्नाटा देखा जा रहा है, उनके चेहरे उतरे हुए दिखाई दे रहे हैं, इसके पीछे आखिर वजह क्या है? क्या किसी बात का खौफ उनको सता रहा है या कोई अन्य वजह? इन सब का जवाब जो है वो पुलिस को निश्चित तौर पर देना होगा। जो राजकुमार अग्रवाल ने कबूला है वह एक गोपनीय विषय है और निश्चित तौर पर पुलिस इस पर गहनता से कार्रवाई कर भी रही है और गोपनीयता के हिसाब से ये बात निश्चित तौर पर लीक नहीं की जा सकती, क्योंकि इससे पुलिस की जांच प्रभावित होती है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह उठता है, जो लोग सामाजिकता होने का जो दिखावा और ढोंग कर रहे थे, क्या ये सब मात्र दिखाने के लिए होता रहा? क्या जनता को बेवकूफ़ बनाते रहे? अब जनता को निश्चित तौर पर समझना होगा और अपने आप को और पराये की पहचान निश्चित तौर पर करनी होगी और तथाकथित लोगों के झांसे में बिल्कुल भी नहीं आना होगा। इस खबर से रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट हमारे पास होगा, हम RP न्यूज़ के माध्यम से हम आप तक पहुँचाएंगे। और फिर से हम आपको बता रहे हैं कि इस पूरे प्रकरण पर हमारी पैनी नज़र बनी हुई है और सूचना मिलने पर हम आप तक यह खबर पहुंचाएंगे भी। हमारा मकसद है कि 99 गुनहगार मारे जाएं, लेकिन एक बेकसूर न मारा जाए। जिस तरीके से लोहारू को षड्यंत्र लोहारू में रचा गया और अस्थिर करने की कोशिश की, ये अपराधी निश्चित तौर पर बेनकाब होने चाहिए।